अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग आए हैं कोरंगी 4 नंबर कल्लू चौक के हम लोग ऊपर मौजूद हैं। तो आज हम लोग आपको इधर का स्ट्रीट फूड दिखाएंगे। इधर के हम लोगों ने सुना है कि स्ट्रीट फूड काफ़ी मशहूर हैं, तो आइए अब हम लोग आपको ज़रा कुछ शॉप वगैरह का व्यू करा दें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। वालेकुम सलाम। कौन से सूप होते हैं आपके पास? कौन सूप? अच्छा, और ये क्या थैली, एक थैली के रेट वगैरह क्या? 75 रुपए का अंडे वाला, बगैर अंडे का 50 का है। अच्छा, ये कौन सूप होता है? चिकन कौन सूप है? चाइनीज सूप है जी। ये आप लोग सॉसेस वगैरह देख सकते हैं। तो ये काफ़ी मशहूर सूप है इधर कोरंगी, कोरंगी 4 नंबर का ये काफ़ी मशहूर सूप है। और ये इधर काफ़ी थैलियाँ लगी हुई हैं, आप लोग इधर देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ। जी, आपको इधर का सूप कैसा लगा? बहुत आला है, बहुत अच्छा टेस्ट है। हम इस टाइम कहाँ पे हैं, कौन सा ये इलाका? कल्लू चौक पे हम बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा सूप है, इट्स अ वेरी टेस्ट, और ये बहुत ही कम प्राइस में है और अच्छी चीज़ बेच रहे हैं ये लोग। अच्छा, इधर का काफ़ी मशहूर भी है। हाँ, इट्स अ वेरी फेमस। ये इधर आप लोग कितने साल से हैं? 34 साल हो गए। तो व्यूअर्स, ये पहले समय पहले उधर सामने की तरफ लगता था, तो अब ये लोग उधर से इधर शिफ्ट हो गए पुलिस की वजह या फिर कोई और वजह। और इनको 34 वेयर्स हो चुके हैं इधर, पहले वो लोग उधर होते थे, पुलिस की वजह से ये लोग इधर आ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, इस शहर के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए अब हम लोग ज़रा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इस ठिए को कितने साल हो गए? 34 साल। और इधर का काफ़ी मशहूर भी है कोरंगी जी, लांडी कोरंगी का मशहूर सूप है, चिकन कॉर्न सूप। समय पहले जब आपने स्टार्ट किया था इसके, तब रेट क्या थे? हमने तो स्टार्ट किया था तकरीबन 8 या 9 रुपए से। अब माशाल्लाह महंगाई इतनी हो गई, क्या करें यार। अंडा, कच्चा अंडा जो है ना वो 20 रुपए का। कच्चा अंडा 20 रुपए जी, तो क्या करें। अच्छा, और जो हमारे व्यूवर्स हमारे को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनको हमारे चैनल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फूड लवर्स कराची बहुत अच्छा चैनल है, बहुत गाइड भी करता है हम लोगों को। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है? जी बिल्कुल अच्छा लगता है। नाम बता दीजिएगा अपना। मोहम्मद वसीम। बहुत शुक्रिया। शॉप के बिल्कुल पीछे इधर एक ये है राजपूत कबाब पराठा एंड बारबेक्यू के नाम से, इधर का काफ़ी मशहूर और पुराना रेस्टोरेंट है। इधर आपको रोल पराठे वगैरह मिलते हैं, ये इधर के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनो, आपके पास ये क्या क्या खाने की इधर वैराइटीज होती हैं? क्या आपके पास क्या खाने की वैराइटीज होती हैं? चिकन फ्राई है, कलेजी फ्राई है, दाल माश है, अंडा उड़ाला है, चिकन कढ़ाई है, कीमा कढ़ाई है, चना है, चने की दाल है। अच्छा, आपकी मशहूर चीज़ क्या है? कबाब पराठा। सभी मशहूर है वैसे कबाब पराठा हमारा। कबाब पराठा। अच्छा, आपको यहाँ पे कितने साल हो गए? मैं तो तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल। आपके इधर का काफ़ी मशहूर भी है राजस्थानी कबाब पराठा। जी राजस्थान कबाब पराठा मशहूर है। अच्छा, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के हवाले से? भाई यही कहना है कि हमारा मसला कबाब पराठा अच्छा है, आकर चेक करें, खाएँ, चेक करें। और एड्रेस क्या है? कुरंगी नंबर 4 कल्लू चौक। कुरंगी नंबर 4 कल्लू चौक मेन, ये चौक के बिल्कुल ही आप लोग देखेंगे तो इधर है राजस्थान कबाब पराठा। इधर आप लोग आएँ तो लाजमी विज़िट करें, इधर का कबाब पराठा काफ़ी मशहूर है इनका ये कहना है। तो आइए अब हम लोग आपको कुछ तरह और रेस्टोरेंट की तरफ लेके चलते हैं। लगा
ये कीमा फ्राई बन रहा है। कीमा फ्राई राजस्थानी रेस्टोरेंट का मशहूर इधर का कटाकट है, आप लोग आएँ तो इधर ये लाजमी ट्राई करें। और हम लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप लोग इधर लाजमी इधर कल्लू चौक का स्ट्रीट फूड का लाजमी ट्राई करें। स्ट्रीट फूड मशहूर इधर का ये है स्ट्रीट फूड। चिकन कलेजी मगज का कटाकट, चिकन कलेजी और मगज का ये कटाकट है इधर हमारी वीडियो। चिकन और कलेजी और मगज का कटाकट है। अच्छा, ये वीडियो स्पेशल बनाने के लिए है। इधर के जो ऑनर है वो खुद ये कटाकट बना रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो खुद इधर के वर्कर से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उनकी मोहब्बत है जो हमारे, और ये उनकी मोहब्बत है कि वो हमारे लिए खुद बना रहे हैं। तो आप लोग ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह से। तो इसको अच्छी तरीके से भूनना है पहले तो। अब कटाकट बन रहा है इसका, इसको छोटे से छोटा करना है। चैनल कौन सा फूड लवर कराएंगे इधर डालना है। और ये राजस्थानी मिर्च मसाला है। और इधर की ये कटाकट की ये रेसिपी है, इधर का काफ़ी मशहूर है। हम लोगों ने आपको साथ ही साथ रेसिपी भी बता दी। अब इसका कटाकट तैयार होगा। राजस्थानी का मशहूर कटाकट है, राजस्थानी रेस्टोरेंट का। और इसमें इनके अपने ही मसाले हैं जिनकी अब नहीं बताना चाहते कि क्या रेसिपी वगैरह है, तो इनमें अब ये ऐड करेंगे। ये अदरक का लच्छा आ गया, ये अदरक का लच्छा आ गया, ये धनिया आ गया, ये धनिया डाला, ये हरी मिर्च कटी हुई, ये कटाकट राजस्थानी तैयार है। कटाकट राजस्थानी तैयार है। और इधर का ये कटाकट राजस्थानी तैयार है। इसके बाद आप ये कटाकट तैयार हो गया कम्प्लीट। ये कटाकट इधर का तैयार हो चुका है। तो ये बता दो कि ये पूरे लांडी कुरंगी में बहुत टेस्ट है इस कटाकट का। ये पूरे लांडी कुरंगी में मशहूर है, कुरंगी नंबर 4 के रेस्टोरेंट है। इधर का जो टेस्ट है वो पूरे लांडी कुरंगी। देखें, और ये राजस्थानी इनका कढ़ाई कीमा है, आप लोग देखें कढ़ाई कीमा, ये भी मशहूर है इनका। और उसके साथ ये लोग हरी मिर्च वगैरह भी डाल के देते हैं। चिकन कढ़ाई है राजस्थानी, और ये राजस्थानी चिकन कढ़ाई है। और ये भी इधर, ये भी इधर की काफ़ी मशहूर है। ये हमारी कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई। जरा मांस वाल लगवा के आप जो बनवाए ना अपनी भी इधर के। ये देखो, ये राजस्थानी चना है, ये राजस्थानी चना है इनका फेमस।
ये चने की दाल है हमारी और ये इनकी फेमस इधर की चने की दाल है। ये रेस्टोरेंट इधर का काफी फेमस है तो आप लोग इधर आए तो लाजमी विजिट करें इस रेस्टोरेंट को। चपाती कितनी अपनी 10 है। सलाम। ये मछली कौन सी है? ये मुश्का है, डंडिया है, कौन है? मछली के रेट क्या है किलो? 600 रुपए, 800 रुपए किलो। और आपके पास और क्या क्या चीज़ है? चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, राजस्थान की जी, राजस्थानी जी। क्या नाम था इनका? काशिफ भाई। नाम क्या था आपका? काशिफ कामरान कामरान भाई नाम इनका। ये इधर का फिश वगैरह है, ये इधर के फिश वगैरह के सेशन में होते हैं। चलाओ अंदर चलते हैं। तो व्यूअर्स अंदर कुछ कस्टमर वगैरह भी बैठे हैं तो अब हम लोग कुछ कस्टमर वगैरह के रिव्यू भी देंगे कि उधर के उनको इधर के फास्ट फूड या बारबेक्यू वगैरह कैसा लगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो व्यूअर्स इधर के एक कस्टमर हमारे पास साथ मौजूद हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको इधर का? अच्छा है, जायका अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, कढ़ाई भी अच्छी है, कबाब वगैरह भी अच्छे हैं। अच्छा, क्वालिटी वाइज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बेहतरीन है, बेहतरीन बिल्कुल। अच्छा, आप इधर कितने टाइम से आए? आज तो फर्स्ट टाइम है ये। फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल। चलिए शुक्रिया। सीधा हमारे पास एक और कस्टमर मौजूद हैं तो आइए हम लोग इनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको इधर? किस हवाले से? मतलब क्वालिटी वाइज। फूडिंग के हवाले से? फूडिंग बहुत अच्छी है, मैं नॉर्थ कराची से आता हूँ यहाँ पर। नॉर्थ कराची से? जी, नॉर्थ कराची से। अच्छा, तो आप इनके क्वालिटी जो क्वालिटी वाइज है इनकी, मतलब जो चीज़ें हैं उनके लिए ऐसे क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है क्वालिटी। कढ़ाई है इनकी, कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तीसरे दिन आता हूँ यहाँ पर। कितने साल से आ रहे हैं? मैं तकरीबन जब से खुला है एक अर्सा हो गया, मेरे ख्याल से आपकी भी एज नहीं होगी इतनी, 6-7 साल से आ रहे हैं तकरीबन। ज़्यादा हो गया मुझे, 15-16 साल तकरीबन 15-16 साल से आप आ रहे हैं? जी जी, जब से खुला है जब से मैं आ रहा हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा अमजद अली सिद्दीकी नाम है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूअर्स ये इधर का अंदर का फैमिली हॉल है। इधर ये अभी खैर इधर जेंट्स बैठे हुए हैं, अभी कोई जैसे फैमिली आती है तो इधर का खाली करा दिया जाता है, जेंट्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। बाहर की भी आप लोग जगह से देख सकते हैं, जो जेंट्स हैं वो उनको फिर बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है, अगर कोई फैमिली वगैरह आए तो उनको अंदर बिठाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने आपको रेस्टोरेंट कवर करके दिखाया। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। हमारा चैनल आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।